खम्मा गणिसा, आज मैं आपको तिल मूंगफली के लड्डू बनाकर बताऊंगी। इसके लिए मैंने 150 ग्राम सफेद तिल लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से साफ कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह काले तिल भी ले सकते हैं। यह वजन में 150 ग्राम है। 100 ग्राम हमने ली है कच्ची मूंगफली, 150 ग्राम तिल है और 100 ग्राम कच्ची मूंगफली और 200 ग्राम है गुड़, जिसे अच्छी तरह से कूट लिया है, और 1 चम्मच घी। तो सबसे पहले हम तिलों को सेकेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें तिलों को सेकना है और लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, वरना तिल जल सकते हैं। लगातार चलाने से हमारे तिल बराबर सिकेंगे। इन्हें ज़्यादा हमें सेकना नहीं है। ये देखिए, आप थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो गया है और ये थोड़े हल्के हो गए हैं। बस हमें इनको इतना ही सेकना है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। और इसी पैन में हम मूंगफली को भी सेक लेंगे। ज्यादा तेज आंच पर हमें मूंगफली को नहीं सेकना है, वरना यह ऊपर से तो सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो धीरे धीरे हमारी मूंगफली सिक गई है। तो देखिए, इस तरह से इनसे मसलने से इसका छिलका अलग हो रहा है। तब इसे भी हम एक थाली में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। तो मूंगफली हमारी यहाँ पर ठंडी हो गई है, तो इसके छिलके हमें अलग करने हैं। इसके लिए एक कॉटन के कपड़े में हम इनको डाल लेंगे और ऊपर से इस तरह से बंद कर इसे इस तरह मसलेंगे, जिससे कि इसका छिलका अलग हो जाए। इससे बहुत ही जल्दी मूंगफली से छिलका अलग होता है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है। ये देखिए आप, काफी मूंगफली के छिलके जो अलग हो गए हैं, और अगर किसी पे रह भी जाता है तो आप इसे बाद में हटा दें। अब हम इसे थाली में झाड़ देंगे। आप या तो फूंक से ऊपर से छिलका हटा दें, या फिर ये जो एक तरफ हमारी मूंगफली हो गई है इसे निकाल लें। इस तरह से झटकने से छिलके एक तरफ चले जाएंगे और मूंगफली एक तरफ हो जाएगी। तो मूंगफली हमारी पूरी साफ हो गई है। अब हम इसे मिक्सी में दरदरा करेंगे। आप चाहें तो हमाम दस्ते में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में करें। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए हमें मिक्सी चलानी है, जिससे कि हमारी मूंगफली थोड़ी दरदरी हो जाए। एकदम साबुत आप मूंगफली लड्डू में नहीं डालें, वरना लड्डू बनते वक्त परेशानी होगी, लड्डू बिखरने लग जाएंगे। तो हल्का सा हमें इन्हें दरदरा कर दिया है। ये देखिए आप, ज्यादा नहीं किया है, हल्का सा दरदरा कर दिया। अब इसी जार में हम आधे तिलों को भी दरदरा करेंगे। आधे तिल हम साबुत रखेंगे और आधे तिलों को भी हल्का सा दरदरा कर देंगे। ये देखिए, इन्हें भी हल्का दरदरा कर दिया है। सिर्फ 2 सेकंड के लिए हमें मिक्सी चलानी है। अब इसे भी इसमें मिला लेंगे। और जो हमारे साबुत भुने हुए तिल हैं, उसे भी इसमें मिला लेंगे। अब इन तीनों को अच्छे से मिला लेंगे, ताकि हमारा मिश्रण है जो एक बराबर हो। अब फिर से हम गैस पर रखेंगे और 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे। घी मेल्ट हो गया तो अब इसमें गुड़ डालेंगे। गैस की आंच हम मीडियम कर लेंगे और अब गुड़ को मेल्ट होने तक इसे पकाना है। हमें इसकी ज्यादा चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ हमारा मेल्ट होना चाहिए, इतना ही इसे घोलना है। तो लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, वरना गुड़ पैन में चिपक सकता है। पानी डालने की हमें जरूरत नहीं है। इस तरह से हम चम्मच चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा और उसकी चाशनी बन जाएगी।
तो देखिए आप, गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है और यहाँ पर मेरा एक क्लिप डिलीट हो गया है। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसमें मूंगफली और तिल का मिश्रण डाल देंगे और उसे मिला लेंगे। मिश्रण डालने के बाद हमें उसे पकाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिलाकर पैन को नीचे रख देंगे और फटाफट से इसके लड्डू बनाएंगे। हाथों पर आप पानी ठंडा या फिर घी लगाकर गरम गरम के ही लड्डू बनाएं। ठंडा होने के बाद लड्डू बनाने में मुश्किल होगा। तो ये लीजिए, हमारे मूंगफली तिल और गुड़ के लड्डू तैयार हैं। अभी ये फ्रेश है इसलिए इस तरह से आसानी से टूट रहे हैं। धीरे धीरे गुड़ में बने हुए लड्डू थोड़े सख्त हो जाएंगे। तो आप भी इस तरह से बनाइए और खाइए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।